पीएम मतलब पनौती मोदी, पीएम मतलब पनौती मोदी, पनौती। राहुल गांधी ने वर्ल्ड कप को लेकर पीएम मोदी को पनौती कहा और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कुछ इसी अंदाज में नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप के सभी मैच जीते सिवाय एक मैच के जिसमें पापी मौजूद थे। आईसीसी वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को मिली करारी हार के बाद से एक तरफ जहां क्रिकेट फैंस गमगीन हैं, तो वहीं राजनीति भी गरमाई हुई है। मैच के दौरान प्रधानमंत्री का स्टेडियम में पहुंचना विपक्ष के लिए एक मुद्दा बन गया है और भारतीय टीम को मिली शिकस्त को इससे जोड़कर पेश भी किया जा रहा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए भरी सभा में पनौती सरीखे शब्द का इस्तेमाल किया और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप के सभी मैच जीते सिवाय एक मैच के जिसमें पापी मौजूद थे। बंगाल सीएम ने साथ ही ये भी दावा किया कि अगर फाइनल मुकाबला कोलकाता में होता तो भारतीय टीम जरूर जीतती। टीएमसी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम की भगवा जर्सी को लेकर भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए ममता दीदी ने कहा कि देश की क्रिकेट टीम का भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है। भगवा त्यागियों का रंग है मगर तुम लोग भोगी हो। टीएमसी सुप्रीमो का दावा है कि उनके विरोध के कारण ही फाइनल मैच में इंडियन क्रिकेट टीम ने भगवा के बजाय नीली जर्सी पहनी। राहुल गांधी ने राजस्थान की एक रैली में बोलते हुए पीएम की मौजूदगी का मजाक उड़ाया और इसी वजह से अभी तक कई भाजपा सपोर्टर्स राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उसी में अब ममता बनर्जी का आया ये बयान भी काफी ज्यादा चुनावी माहौल को गरमाने का काम कर रहा है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प है कि आखिर ये बयानों का सिलसिला रुकता कब है।